हेलो दोस्तों, आप सभी को सुबह का नमस्कार। उम्मीद करते हैं आज का दिन आप सभी का बहुत बेहतर गुजरेगा। आज हम सुबह में एक ऐसे काउंटर को लेकर आए आप सभी के साथ जो कि बहुत ही रिस्की हो सकता है आप सभी के लिए, इसीलिए मैंने इस काउंटर में जो स्क्रीन दिया है आपको वो भी अलर्ट कर दिया हुआ है। जनरली हम लोगों को कई टाइम ऐसा होता है कि जब मैसेजेस आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कॉल्स आती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे आसपास के सराउंडिंग के जो कि जिनको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, वो हमको कुछ इस तरह के स्टॉक्स को रिकमेंड कर देते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। कभी भी मैसेजेस को फॉलो मत कीजिए, कभी भी फ़ोन कॉल्स को फॉलो मत कीजिए। कभी भी अगर कोई भी आपको कॉल करके ये कहता है कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम आपको गारंटीड 10% 20% मंथली रिटर्न देंगे, आप कभी रिलाय मत कीजिए। क्योंकि अगर वो 10% मंथली रिटर्न दे सकता तो वो कभी भी आपसे कॉलिंग नहीं करता। उनका कोर पर्पस होता है आपसे मनी गैदर करना। सपोज कीजिए उसने एक व्यक्ति से 2000 रुपये मंथली लिए, और इस तरह के उसको अगर 100 लोग भी मिल गए तो आप समझ सकते हैं एक बड़ा अमाउंट उसके पास आ जाता है जिससे कि वो ट्रेड करता है। और आप चूंकि 2000 रुपये निवेशित होते हैं तो आपके वो 2000 रुपये वो कभी वापस नहीं मिल पाते, और ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए। खैर वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। जनरली आप लोगों को कई बार मैसेजेस भी आए जिसमें कि हमने स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में भी देखा था और BRFL के बारे में भी देखा था। कुछ ऐसे काउंटर्स भी थे जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए थे और आपको बताया था कि आपको क्या इन स्टॉक्स के अंदर रुकना है या निकल जाना है, क्या वो रिस्की हैं आपके लिए। और आज जो काउंटर है वो आपके लिए बेहद रिस्की हो सकता है। हालांकि हो सकता है कि अभी तक फ़िलहाल आपके पास मैसेजेस नहीं आए हों, ना ही आपके पास इस काउंटर से रिलेटेड कोई फ़ोन कॉल्स आया हो, ना ही आपने इस काउंटर को कभी सुना हो। लेकिन आज के बाद अगर आप मेरे चैनल के फॉलोअर हैं और आपको लगता है कि आपको सही और सटीक सलाह मिल रही है, तो इस काउंटर को अपनी चेकलिस्ट में जरूर रखिएगा और कभी भी इस काउंटर को इग्नोर मत कीजिएगा। मतलब इन द सेंस, कभी भी आपको इस काउंटर का नाम सुनने में आए तो एकदम से आप अलर्ट हो जाइएगा कि इस काउंटर में आपको किसी भी तरह से अपनी पोजीशंस नहीं बनानी है। रिमेंबर, इस काउंटर में आपको किसी भी तरह से अपनी पोजीशंस नहीं बनानी है। काउंटर का नाम है ग्रोमो ट्रेड। मैं आपको काउंटर का नाम बता देता हूँ, ग्रोमो ट्रेड एंड कंसल्टेंसी। 469.65 के लेवल पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। अगेन रिपीटिंग, ग्रोमो ट्रेड एंड कंसल्टेंसी बहुत ही रिस्की काउंटर है। आपको कभी भी कोई भी व्यक्ति सजेस्ट करे, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, आपका इवन कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र भी क्यों ना हो, मैं तब भी यही कहूँगा कि आप इस काउंटर में निवेश नहीं कीजिएगा। ये काउंटर आपके सारे पैसे को डुबो सकता है, फंसा सकता है। सो ग्रोमो ट्रेड एंड कंसल्टेंसी, इस काउंटर का नाम याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। कभी भी मैसेजेस आए, कभी भी फ़ोन कॉल आए, इमीडिएटली आप उसको रिप्लाई बैक कर सकते हैं, आप उस काउंटर को इग्नोर कर सकते हैं। BSE में ट्रेडेड है ये। 501314 इसका BSE का कोड है। अगेन रिपीटिंग, 501314 इज द BSE कोड। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर का एक स्टॉक है। वॉल्यूम बहुत ही लेस है, 1004 का वॉल्यूम इसका एट प्रेजेंट आज की तारीख में मुझे दिखाई दे रहा है। और दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, जो लो वॉल्यूम के स्टॉक्स होते हैं उनमें तो वैसे भी हमें ट्रेडिंग इनिशिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सो ग्रोमो ट्रेड, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि क्यों कह रहा हूँ मैं इसको इग्नोर करने का, और इसीलिए मैंने इसका जो स्क्रीन शॉट रखा है वो बी अलर्ट करके रखा है। दोस्तों आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सही समय पर या समय से पहले उन काउंटर्स के बारे में बता पाऊं जो आगे आने वाले समय में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं या आपके पैसे को डुबो सकते हैं। सो आज कुछ ऐसे ही काउंटर के बारे में जिसमें से मैं निवेश ना करने की सलाह दे रहा हूँ मैं आपको, और आपको बच के रहने की सलाह देता हूँ। चलिए ग्रोमो ट्रेड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। काउंटर ने लगभग अपना 485 का हाई टच किया, और फिलहाल अगर मैं बात करता हूं तो मार्केट कैपिटल इसकी 1333 करोड़ के आसपास है, यानी कि माइक्रो कैप का स्टॉक है ये। पीई अगर आप प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे काउंटर की, तो 2762, यानी कि 2762 इसकी पीई है, जबकि इंडस्ट्री पीई 34 है। तो पहली चीज़, कभी भी हायर पीई का स्टॉक आपको परचेज नहीं करना चाहिए, वो हमेशा कंसोलिडेट होता है। कोशिश कीजिएगा कि हायर पीई के स्टॉक को अगर वो अंडर वैल्यूड है तब
तभी आप उसमें बाइंग कीजिएगा। अगर वो ऑलरेडी रन अप ले चुका है और उसकी पीई भी हाई है तो आप स्टॉक में करेक्शन का वेट कीजिएगा, तभी आप उसमें निवेश कीजिए, क्योंकि पी कहीं ना कहीं एडजस्ट होता है आने वाले समय में और कंसोलिडेशन हमें दिखाई देता है, चाहे काउंटर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो। ग्रोमो ट्रेड 2762 के पी पर ट्रेड कर रहा है जबकि इंडस्ट्री पी 34 का, साथ ही साथ जो बुक वैल्यू है वो काउंटर की केवल 13.94 है, यानी कि 13.94 इस काउंटर की बुक्स में, यानी कि कंपनी की जो बुक्स होती हैं उसमें जो इसकी फेयर वैल्यू मैंशनड है वो 13.94 है। अब 13.94 का मतलब ये कि अगर आज कंपनी बंद हो जाती है, आज कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, आज कंपनी में किसी भी तरह का इश्यू जनरेट हो जाता है और शेयर होल्डर्स को अगर पैसा वापस देने का समय आता है, तो अगर आपने 470 रुपये पर शेयर के हिसाब से स्टॉक ख़रीदा है तब भी आपको जो प्राइस मिलेगा पर शेयर वो केवल बुक वैल्यू के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 13.94 ही आपको एक शेयर का प्राइस मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने आज स्टॉक खरीदा और कल कंपनी बंद हो गई तो आपको केवल 13.94 एक शेयर की कीमत मिलने वाली है, यानी कि आप बहुत बड़े नुकसान में तो ऑलरेडी हैं, आप इतने बड़े नुकसान के शेयर को नहीं खरीद सकते, जबकि कोई फंडामेंटल्स ग्राउंड नहीं है, जबकि इसका जो यू नो पी है वो बहुत हायर रेट पे है, बहुत ही ओवर वैल्यूड स्टॉक है। ईपीएस 0.17 का है, प्राइस टू कॉपी 2762.65, ओके, फेस वैल्यू 10 का ये काउंटर है। और आप अब मैं आपको बताता हूँ शेयर होल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रमोटर्स का कितना बिलीफ है कंपनी के ऊपर, और वो बता देता है यहाँ पर प्रमोटर्स के पास केवल 1.4% स्टेक स्टिल है। आप समझ सकते हैं इस काउंटर के अंदर प्रमोटर्स की कोई भी होल्डिंग नहीं है, केवल पब्लिक होल्डिंग ही इस काउंटर के अंदर है 89.58%। अब होता क्या है इस पब्लिक में, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से लोग पब्लिक के अंदर इंगेज हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो बड़ी बड़े निवेश किए हुए हैं वो लगभग आनंद कमल्यान पंडित लगभग 5.5%, और आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3%, 3.5%, 5%, 2%, 2%, 5%, 3%। अब इन लोगों की जो बाइंग है वो अभी इस काउंटर के अंदर है। अब जब इनको निकलना होगा तो ये क्या करेंगे, अभी इनके पास वॉल्यूम तो है नहीं, तो ये लोग कुछ ब्रोकर्स को पकड़ेंगे, ये लोग कुछ SMS जो बल्क SMS सर्विसेज हैं उनको लेंगे और वहाँ से ये लोग मैसेजेस जनरेट करना शुरू करेंगे कि काउंटर जल्दी ही 500-550 तक जाएगा नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर या नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, ठीक है, सपोर्ट मान के चलेंगे, सपोर्ट बनाइए 450 रुपीज़ का लेबल का, ओके। अब क्या होता है जैसे ही मैसेजेस होते हैं तो मैसेजेस पर्टिकुलर आपको नहीं आएंगे, वो मैसेजेस कहाँ पर सर्कुलेट होंगे, पैन इंडिया लेवल पर, यानी कि अगर आप कश्मीर में रह रहे हैं तो आपके पास भी वो मैसेज जाएगा, आप कन्याकुमारी में रह रहे हैं तो आपके पास भी उस काउंटर से रिलेटेड मैसेज जाएगा, आप मुंबई में रह रहे हैं तो आपके पास भी मैसेज जाएगा, और अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो आपके पास भी मैसेज जाएगा। रीज़न क्या है, पैन इंडिया लेवल पर मैसेजेस भेजने का जो मेन कारण होता है वो ये कारण होता है कि हमारे जो दोस्त फ्रेंड रिलेटिव जनरली डिफरेंट जगह पर रहते हैं तो एक साइकिल क्रिएट किया जाता है, एक सर्किल क्रिएट किया जाता है जिसमें क्या होता है कि आप जब मुंबई में बैठे हो और आप दिल्ली के फ्रेंड से पूछेंगे यार ये स्टॉक सजेस्ट आया है, इस स्टॉक का मैसेज आया, तो वो कहेगा हाँ यार मेरे पास भी आया है ये मैसेज, अच्छा काउंटर लग रहा है, तीसरा कहेगा हाँ मेरे पास भी आया, तो इस तरह से क्या होगा एक हवा बन जाएगी, एक र्यूमर जनरेट हो जाएगा काउंटर के बारे में, और जब उस काउंटर के बारे में एक र्यूमर जनरेट हो जाता है तो लोग बाइंग करने के लिए दौड़ पड़ते हैं बिना ये सोचे, क्योंकि देखिए केवल मात्र 3-5% लोग ही टेक्निकली ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, बाकी सभी सुनी सुनाई बातों पर ट्रेड करते हैं, न्यूज़ बेस पर ट्रेड करते हैं या फिर इन बातों पर ट्रेड करते हैं कि आगे हो सकता है ये काउंटर अच्छा परफॉर्म कर दे, फंडामेंटल्स भी कोई चेक नहीं करता। रीज़न क्या है कि लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस करनी भी नहीं आती है। सो अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है जब एक र्यूमर जनरेट हो जाता है, और जब एक काउंटर में र्यूमर जनरेट हो गया लोगों ने भागना शुरू किया, पकड़ना शुरू किया काउंटर को, तो स्टॉक कुछ टाइम तो ऊपर दिखाता है, लाइक अगर 470 का अभी रेट चल रहा है तो स्टॉक हो सकता है 500 तक जाए, लोगों ने वहाँ पर खरीदना शुरू किया और जब उसको खरीदवा दिया काउंटर को अच्छी तरीके से, बाइंग हो गई, सेलिंग हो गई सारे काउंटर्स की, तब जो निवेशक फंसे हुए हैं इन काउंटर्स में हैं इस काउंटर के अंदर, वो अपनी क्वांटिटीज को हाई वैल्यू पर सेल करना शुरू कर देंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा,
लिक्विडिटी आ जाएगी मार्केट के अंदर एकदम से, लोगों को लगेगा अरे भाई अरे भाई अरे थोड़ा करेक्शन पे मिल रहा है खरीद लो, करेक्शन पे मिल रहा है खरीद लो करेक्शन, और लोग उसको खरीदना स्टार्ट कर देंगे। वहीं पर आप फंस जाएंगे, क्योंकि जब उनकी जिनकी जो होल्डिंग्स पड़ी है, जिन्होंने बल्क SMCs का यूज़ किया, जिन्होंने फेक ब्रोकरेज हाउसेस का यूज़ किया, जब उनकी होल्डिंग्स रिड्यूस हो जाएगी निकल जाएगी, तभी स्टॉक कंटिन्यूस लोअर सर्किट में आ जाएगा और उसके बाद ये काउंटर आपको फंसा देगा, 100 रुपये से भी नीचे चला जाएगा। तो ये मैंने आप बात की ग्रोमो ट्रेड कंसल्टेंसी के बारे में, ये मैंने बताया कि केवल प्रोमोटर्स के पास 1.4% की होल्डिंग है, तो यानी प्रोमोटर्स तो हैं ही नहीं कंपनी के अंदर, जब प्रोमोटर्स नहीं है तो उनकी कोई लाइबिलिटीज भी नहीं बनती। यहाँ पर पब्लिक निवेशक फंसे हुए हैं और वही कहीं ना कहीं बल्क SMCs का यूज़ करके अपनी होल्डिंग को रिड्यूस करने का प्लान करेंगे, प्रयास करेंगे, जो कि हमेशा से होता आया। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल नंबर्स की भी बात करेंगे तो स्टॉक 470 लेवल पर ट्रेड क्यों कर रहा है ये मुझे भी नहीं पता, रीजंस क्या है। केवल 27 करोड़ 70 लाख का टोटल टर्नओवर है इस स्टॉक का, जबकि जो प्रॉफिट है वो केवल 14 लाख का है, और कभी भी काउंटर का पिछले 5 सालों में जो प्रॉफिट था वो 14 लाख से ऊपर नहीं गया। जिस काउंटर का प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 14 लाख से ऊपर नहीं गया, वो काउंटर 500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, बड़ी ही ताज्जुब वाली बात है मुझे लगती है। लेकिन आप सावधान रहिए, क्योंकि मैं आपको ये चीज़ अलर्ट पहले से ही दे रहा हूँ। कल को आप ये नहीं कह सकते किसी को कि हमको अलर्ट नहीं मिला, आपको अलर्ट मिल रहा है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस अलर्ट को सीरियसली लेते हैं या नहीं। नेट सेल्स सितंबर में 84 लाख की हुई है और प्रॉफिट मात्र 31 लाख का। सो ओवरऑल इग्नोर कीजिए इस काउंटर को, किसी भी तरह से निवेश नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस काउंटर में निवेश किया हो सकता है कि आपका पैसा कुछ दिन के लिए आपको प्रॉफिट में दिखे, बट आप किसी बड़े जाल में फंसने जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। सो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप ग्रोमो ट्रेड कंसल्टेंसी लिमिटेड को इग्नोर करेंगे, कभी भी इससे रिलेटेड कोई मैसेज आएगा, कोई फेक कॉल आएगी, कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया आएगा, आप तुरंत उसको इग्नोर कर देंगे और इस काउंटर में किसी भी तरह से अपनी पोजीशन को नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ कुछ और अच्छी कॉल्स के साथ, कुछ और अच्छे शेयर्स के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आपके पास कुछ ऐसे काउंटर्स हों जो कि आपको रिस्की लगते हों तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम अपने और निवेशकों को बता पाएँ और उनके पैसे को भी हम सेव कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।